आज के सौरव जोशी के व्लॉग की समरी बता देता हूँ, क्योंकि 11 मिनट का वीडियो है, पूरा देखोगे तो 11 मिनट खराब हो गएंगे। 1-1.5 मिनट में पूरा वीडियो की समरी बता देता हूँ। शुरुआत होती है सौरव जोशी की रक्षाबंधन के बाद से, कहता है कि आज राखी है और उसकी बुआ की लड़की राखी बांधने के लिए आएगी, और उसने उसके लिए कोई गिफ्ट प्लान नहीं किया था क्योंकि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, इसलिए वो रियल गिफ्ट लेने के लिए बाजार चला जाता है। गिफ्ट लेने के लिए वो पहले गूगल पर सर्च करता है कि क्या देना चाहिए, तो उसे पता लगता है कि वो उसकी बुआ की लड़की पढ़ाई करती है, तो वह उसे गिफ्ट देने के लिए वन प्लस का पैड डिसाइड करता है। वन प्लस का पैड लेने चला जाता है, वन प्लस का पैड लेकर आ जाता है, उसे डब्बे के अंदर रखा एक को घर आ जाता है। उसके बाद में वो छोले भटूरे पूरी खाता है, और उसके बाद में कुनाली से पूछता है कि उसकी बुआ की लड़की को वो क्या गिफ्ट देगा। कुनाली कहता है कि 1500 रुपये देगा, क्योंकि वैसे तो उसके पास 25,000 हैं, वरना पूरे देगा तो वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वापस आ जाता है, और वहाँ पर तब तक उसकी बुआ की लड़की नहीं आई होती है, तो वह उस डब्बे को पैक कराने के लिए, गिफ्ट के शेप में पैक कराने के लिए फिर वापस से बाजार चला जाता है, और उसको डब्बे के अंदर रखकर एक डब्बा और उसके ऊपर अंदर रखकर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसे 3 डब्बे रखकर पैक करा कर ले आ जाता है। तब तक उसकी बुआ की लड़की आ जाती है, उसका नाम नीशू होता है। नीशू आकर सबको राखी बांधती है। उसमें राखी बांधने के दौरान उसका सौरव जोशी का चाचा एक डायलॉग बोलता है जो सबसे शानदार लगा मुझे, कि चाचा जी को राखी बांधने की तैयारी हो रही है क्योंकि चाचा जी हैं, हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं है पर बोलता है। उसके बाद में नीशू राखी बांध देती है, नीशू सबको राखी बांध देती है। सौरव जोशी उसको गिफ्ट देता है और उससे वहीं अनबॉक्सिंग करने के लिए कहता है। अनबॉक्सिंग करती है तो उसको पता चलता है कि इसमें आईपैड, सॉरी, वन प्लस का पैड होता है, और यही करके वो पनीर की सब्जी और पूड़ी के साथ डिनर करके एडिटिंग करने की बोलकर वीडियो ख़त्म कर देता है। यही वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो में पूरी समरी ख़त्म कर दी, और सोचा आपका टाइम बता दूँ। 11 मिनट का वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है।